नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। दी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने दांतों के दर्द होने पर दर्द को दूर करने के उपाय के बारे में बताया है। ललिता कुमारी गृहिणी ने करेला के कड़वा हटाने के उपायों को लेकर जानकारी साझा किया है। किसी को करते हुए देखा भी होगा। इस घरेलू उपाय को अपनाने के लिए 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल ले और उसे अच्छी तरह से भले ही इसका स्वाद कसेला हो, लेकिन ये गुणों की खान है और जरूरी विटामिन भी। क्या लेकर हड्डियां के दर्द दिनों के बाद भी इसे खाना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है, नहीं खा पाते हैं, तो करेले के सब्जी बनाने से पहले के ऊपर की परत निकल जाएगी, चाहे तो करेले की सब्जी खुरच कर बनाने के बाद उसमें पक, क्योंकि ज्यादातर करेले का ऐसा करने से भी करेले का कसेलापन कम हो जाए। छिलने के बाद ऐसा करने से भी सब करेले का कसेलापन दूर हो जाएगा। मैं डॉक्टर अरुण कुमार, दांतों के दर्द में राहत पहुंचाएंगे ये 7 घरेलू उपाय, जानिए प्रयोग करने का तरीका। दांतों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी दांतों में कीड़े लग जाने की वजह से दर्द होने लगता है, तो कभी मसूड़ों में कोई तकलीफ दांत दर्द को बढ़ा देते हैं। लेकिन दर्द शुरू हो जाने पर इतनी असहनीय पीड़ा होने लगती है कि कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता है। दांत में दर्द होने पर लोग तुरंत डेंटिस्ट के पास जाते हैं। हालांकि ऐसे कई घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपनाने से दांत दर्द में तुरंत आराम मिल सकता है। ऐसे में आज हम आपको दांत दर्द से छुटकारा पाने के लिए 7 घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे। नमक पानी का कुल्ला। इस तरीके के बारे में आपने जरूर सुना होगा और किसी ना किसी को करते हुए देखा भी होगा। गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करने से दांत दर्द में राहत मिलता है। इसके साथ ही अगर आपके दांत और मसूड़े में सूजन है तो वो भी कम हो जाएगा। इस घरेलू उपाय को अपनाने के लिए 1 गिलास पानी गर्म कर लें और उसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल लें और उसे अच्छी तरह से मिलाकर कुल्ला करें या फिर माउथवाश की तरह इस्तेमाल करें। लहसुन। सेहतमंद गुणों से भरपूर लहसुन दांत दर्द और सूजन को कम करने में भी मददगार है। दांत दर्द की समस्या होने पर लहसुन की कली को लेकर अच्छी तरह से पेस्ट बना लें और प्रभावित हिस्से पर लगाएं। ऐसा करने से आप थोड़ी देर में राहत पा सकते हैं। लौंग। दांतों के दर्द को दूर करने में लौंग का इस्तेमाल भी काफी फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल करने के लिए कॉटन पर थोड़ा सा लौंग का तेल लगाकर प्रभावित हिस्सों पर लगाएं। इसके अलावा एक छोटे गिलास पानी में लौंग के तेल की एक बूंद भी डाल सकते हैं और कुल्ला कर सकते हैं। सरसों का तेल। 1 चम्मच सरसों के तेल में 1 चुटकी नमक डालकर दांतों और मसूड़ों पर मसाज करें। इससे न सिर्फ दांतों के दर्द में आराम मिलता है बल्कि मसूड़े भी मजबूत होते हैं। प्याज। रोज सुबह 1 कच्चा प्याज खाने से भी दांतों के दर्द को आराम मिलता है। प्याज खाने से मुंह में मौजूद कीटाणु मर जाते हैं और दर्द में तुरंत आराम मिलता है। काली मिर्च पाउडर। दांतों में तेज दर्द से आराम के लिए 1/4 नमक में 1 चुटकी मिर्च, काली मिर्च पाउडर मिलाकर दर्द वाले हिस्से पर लगाने से कुछ ही देर में राहत मिल जाएगी। नींबू। दांतों के दर्द वाले हिस्से पर नींबू का रस लगाने से दर्द में राहत मिलती है। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। कड़वे करेले की सब्जी नहीं पसंद है तो इन तरीकों से दूर करें कसेलापन। करेले की सब्जी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। भले ही इसका स्वाद कसेला हो, लेकिन ये गुणों की खान है। इसमें ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी विटामिन भी,
करेले में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे खाने से कई तरह की बीमारियां को दूर करने में मदद मिलती है। डायबिटीज से लेकर हड्डियां के दर्द में करेले का खाना फायदेमंद होता है। वहीं करेला पाचन शक्ति को भी सही रखता है, लेकिन इतने सारे गुणों के बाद भी इसे खाना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है। तो अगर आप करेले को उसके कसेलेपन के कारण नहीं खा पाते हैं, तो सब्जी बनाने से पहले ये उपाय कसेलेपन को दूर करने में मदद करेंगे। करेले के सब्जी बनाने से पहले धोकर चाकू की मदद से हल्के हाथों से खुरच ले। ऐसा करने से उसके ऊपर की परत निकल जाएगी और करेले का कसेलापन भी कम हो जाएगा। वहीं आप चाहे तो करेले की सब्जी खुरच कर बनाने के बाद उसमें पकने के बाद गुड़ या चीनी मिला दे। ऐसा करने से भी करेले का कसेलापन कम हो जाएगा और सब्जी भी स्वादिष्ट लगेगी। करेले का कसेलापन दूर करना है तो इसमें बीजों को निकाल दे, क्योंकि ज्यादातर करेले का कड़वापन उनके बीजों में होता है। इसलिए करेले को काटने के बाद उसमें से बीज निकाल कर अलग कर दे। ऐसा करने से भी करेले का कसेलापन कम हो जाएगा। वही सब्जी बनाते समय करेले को डीप फ्राई करने से भी इसका कसेलापन चला जाता है। करेले को छिलने के बाद उसके ऊपर समान मात्रा में चीनी और सिरका मिलाकर रख दे। ऐसा करने से भी करेले का कसेलापन दूर हो जाएगा। वहीं आप चाहे तो इसे दही में भिगोकर कुछ देर के लिए रख दे। ऐसा करने से भी करेले का कसेलापन कम होने का चांस रहता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।